हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि राइट टू स्टडी जो है टीजीटी पीजीटी के वीडियोस बनाता है, टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चलाता है और इसके अलावा हमारे जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी कराता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमने वन से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट किया था और हम जाएंगे 100+ क्वेश्चंस तक। तो आज के इस वीडियो में हम 50 से लेके 71 से लेके 75 या 70 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी हमारा 20 मिनट पे हो जाएगा। हमारा टारगेट 20 मिनट या 22 मिनट रहता है, उसके अंदर जितना हो पाता है हम करते हैं। सो जहाँ भी एक्सप्लेनेशन नीडेड रहेगा, नेसेसरी रहेगा, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन और नहीं तो मैं डायरेक्ट आगे बढ़ते जाऊंगे, हमें टाइम भी देखना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 51st क्वेश्चन। द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विथ। सो इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन जो फ्रेज है ये किसने दिया है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रिचर्डसन है जिन्होंने ये फ्रेज दिया है, राइट। 52 क्वेश्चन, हु सेड रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइसली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रुथ इन बट इन द वे ऑफ फीलिंग। देखिए, रोमांटिसिज्म को लेके कई सारे आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दिखेंगे, फ्रेजेस दिखेंगे और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कई सारे दिखाए थे, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो आप, रोमांटिसिज्म इज़ डिजीज़ बोला गया है, उसके आगे आप देखो तो यहाँ पे आपको रोमांटिसिज्म को और भी कुछ बोला गया है। तो वो सारे मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, लाइक रोमांटिसिज्म एज अ रेनेसेंस ऑफ वंडर, रोमांटिसिज्म इज़ एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो इस तरीके से अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग क्रिटिक्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। सो ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो ये है चार्ल्स बॉडलेयर ने कहा है, ठीक है। द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स, वेवरली नॉवेल्स जो फ्रेज है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वेवरली नॉवेल्स जो है वो है वॉल्टर स्कॉट से एसोसिएटेड और वेवरली नॉवेल्स के होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। लाइक देखिए, वेव जो वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है, एक इस तरीके से सीक्वेंसा रहता है ना, लगातार एक लहर लगातार आती रहती है। तो उसी तरीके से वेवरली नॉवेल्स मतलब लगातार नॉवेल्स आते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग सीरीज होती है नॉवेल्स की, ठीक है, जो कि सर वॉल्टर स्कॉट ने शुरू किया था। और इन्होंने लगभग, जैसे एक इनका नॉवेल था जिसमें इन्होंने 48 वॉल्यूम्स में उसे लिखा था, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ सीरीज ऑफ वेवरली नॉवेल्स, ठीक है। तो ये है वॉल्टर स्कॉट, ठीक है, इन्होंने इसे यू कैन से ये वर्ड दिया था, राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगैन इन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1789 में स्टार्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में और भी आप पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 55, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ शाइलॉक एंड मेनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ एट्सेट्रा। सो इसमें आप बताएंगे कि वो एक्टर कौन है जिन्होंने ये सारे रोल को प्ले किया था, तो वो है एडमंड कीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैक्सटन प्रेस वॉज इस्टेब्लिश इन, ये कैक्सटन प्रेस जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1476 में, ठीक है। और ये कैक्सटन का पूरा नाम क्या है, विलियम कैक्सटन, ये एक पर्सन है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। तो विलियम कैक्सटन इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस और दिस इज़ नोन एज कैक्सटन प्रेस, ठीक है, कैक्सटन प्रेस के नाम से जाना जाता है। और वो कब इन्वेंट किया था, कब इस्टेब्लिश किया था, 1476 में, राइट। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाई कैक्सटन प्रेस वॉज, पहली वो कौन सी बुक है जो कि कैक्सटन प्रेस में प्रिंट हुई थी, सो वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ठीक है, ए, आंसर ए। नाउ 58, हु रोट ट्रू विट इज वॉट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। 58 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारा आ जाता है पोप, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। 59, हुम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, किसे डॉक्टर जॉनसन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, जॉन ड्राइडन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन और भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट इंग्लिश राइटर किसे माना जाता है, मैं यहाँ पे एक आपको बता देती हूँ एक दो जो भी इस टाइम मुझे याद आ रहे हैं। फर्स्ट इंग्लिश
राइटर किसे कहा जाता है? कैडमन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैडमन को कहा जाता है। इन्होंने कैडमन्स हाइम लिखा था, ठीक है, जिसके लिए इन्हें फर्स्ट इंग्लिश राइटर कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट आई मीन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये तो आपको शायद पता होगा फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमारे ये जॉफ्री चौसर हैं। जॉफ्री चौसर, क्लियर? डबल एफ हो गया मेरा, सॉरी, जब डबल एफ आ रही भाई, जॉफ्री चौसर। अब मैं एक होमवर्क देती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कौन है? द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आते हैं, सो आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। सो द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा आप मुझे अभी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमन एंड साइन वुल्फ आर, अच्छा ये कैडमन जो है ये और ये कौन है? तो अभी देखिए ऊपर मैंने आपको बताया फर्स्ट इंग्लिश राइटर कैडमन थे, तो ये किस एज के किस टाइप के पोएट रहे होंगे? तो ये एंग्लो सैक्सन पोएट है, ठीक है, जो आप जैसे कि आप जानते हैं कि एंग्लो सैक्सन जो है आपकी हिस्ट्री में एट मेजर पीरियड्स में आता है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एट मेजर पीरियड्स में आता है, और जिसे हम ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं, और जो हमारा 450 से लेके 1066 टाइम पीरियड तक था, ठीक है। सो ये हमारा एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं, कैडमन भी और साइन वुल्फ भी, राइट। नेक्स्ट है, हु वॉज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर? फादर ऑफ पोएट्री किसे कहा जाता है? तो वो है जॉफ्री चौसर, जो कि जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, पोएट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ द वॉर ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, वॉर ऑफ रोजेज बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट, एक वो है, एक टॉपिक है आप कह सकते हैं, जो कि कब हुआ था? 1455 से 1485 के बीच में। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू सम मोर अबाउट दिस, लाइक इट वॉज द कन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड, ये एक कन्फ्लिक्ट था इंग्लैंड में, जो कि 1455 से 1485 के बीच में हुआ था, और दो लोगों के बीच में हुआ था। एक दो टीम थे जिनका नाम था हाउस ऑफ यॉर्क, एक जो थे वो थे हाउस ऑफ यॉर्क, जो कि जिनका सिंबल था वाइट रोज, जिनका सिंबल क्या था? वाइट रोज। और एक थे हाउस ऑफ लैंचेस्टर, ठीक है, लैंचेस्टर जो थे इनका जो सिंबल था, इनका था सिंबल रेड रोज। इन दोनों के बीच में लड़ाई रहती थी, ठीक है, और जो लैंचेस्टर है वो लैंकशायर नेटिव थे, और ये यॉर्क के थे, तो इन दोनों के बीच में एक वहाँ पे एक वॉर होता था, ठीक है। तो उन लोगों की सोच अलग थी, उन लोगों की बातें अलग थी, और उन लोगों के बीच में जो वॉर होता था उसे हम वॉर ऑफ रोजेस कहते थे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, तो जॉन वाइक्लिफ क्या है? इन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। देखिए ये भी याद रखना है कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, तो ये है हमारे जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, यस। नेक्स्ट है, स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट बाय, स्पेंसर को द पोएट्स पोएट किसे कौन कहता है? तो स्पेंसर को द पोएट्स पोएट चार्ल्स लैम्ब कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है। नाउ द फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन, सो ये जो है फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल, ये कब अपीयर हुआ था, कब आया था? तो ये आया था 1611 में, ठीक है। ये है, ये पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, कौन लाया था इसे? तो इसे लाए थे रॉबर्ट बार्कर, इन्हें लाए थे रॉबर्ट बार्कर, ठीक है। और इसको ये किंग्स प्रिंटर एक था, वहाँ पे इसे प्रिंट किया गया था, निकाला गया था, ठीक है। 66 क्वेश्चन, द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू टुक प्लेस इन, कब हुआ था रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू? चार्ल्स टू कब आए थे, उनका कब आधिपत्य हो गया था, यू कैन से? तो ये है 1660, है ना। चार्ल्स टू जो है इंग्लिश रिस्टोरेशन ब्रॉट किंग चार्ल्स टू टू इफेक्टिव पावर इन इंग्लैंड, राइट।
The theaters were reopened in 1660. When were they closed last? अच्छा ठीक है, reopen हुआ था ये हमारा 1660 में, तो आप मुझे बताइए कि ये बंद कब हुआ था और किसने कराया था. This is also important कि भाई कराया किसने था बंद. तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो चार्ल्स टू हैं, जो राजा बने चार्ल्स टू, इन्होंने थिएटर्स को बैन कर दिया था. इन्होंने थिएटर्स को बैन कर दिया था और वो काफ़ी टाइम तक बैन रहा और ये वापस खुला था 1660 में. ठीक है, और बैन कब हुआ था? ये बैन हुआ था 1709 में, अप्रैल 1709 में ये बैन कर दिया गया था. ओके, नो नो नो, आई एम सॉरी, ये मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ. ये कब बैन हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट ये क्या है, रीओपन हुआ था 1660 में, राइट. और ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, ये मुझे याद आएगा तो आई विल टेल यू. नेक्स्ट, हु इज़ बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टॉटलर. कौन है द फाउंडर ऑफ द टॉटलर? तो यहाँ पे जो टॉटलर है, रिचर्ड स्टील, जोसेफ फर्टेशन, कौन है आप गेस कर सकते हैं? यस, आंसर हमें मिल जाएगा रिचर्ड स्टील. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, द टॉटलर का को फाउंड किया था, बनाया था. ठीक है, नाउ 69, डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश ऑन, कब पब्लिश हुआ था? तो ये आंसर है हमारा अप्रैल 15, 1755. द एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, और अच्छा, क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये इनका राज्यारोहण हुआ था हमारे 1837 में. डेट याद करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ डेट्स वगैरह में, ईयर्स वगैरह में. तो थोड़ा उसे लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सैमुअल लैंगरोन लैंगहॉर्न क्लेमेंस रोड अंडर द सुडोनिम ऑफ, अच्छा सुडोनिम क्या होता है? सुडोनिम होता है अपना नेम जब आप छुपा के किसी और नेम का यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुडोनिम. ठीक है, मतलब जब भी हम पोएट लिखते हैं तो अपनी नेम की जगह किसी और का नेम लिखते हैं, सो दैट कि हम अपने नेम को रिवील नहीं करना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं. ठीक है, सो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस जो है ये किस नाम से लिखते थे पोएम? तो ये जो है ये हमारे मार्क ट्वेन के नाम से लिखते थे, राइट. नाउ हु रोट अंडर द सुडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर, अब एरिक ब्लेयर के नाम से कौन लिखता था? तो एरिक ब्लेयर के नाम से जॉर्ज ऑरवेल लिखते थे. ठीक है, सो आई थिंक हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए, 72 हो गए, दो और कर लेते हैं, 3 क्वेश्चंस. विलियम सिडनी पॉटर रोट अंडर द सुडोनिम ऑफ, अब ये सिडनी पॉटर जो है ये किस नाम की उसमें लिखते थे, किस नाम से पोएम लिखते थे? ओ हेनरी के नाम से लिखते थे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन, ये किसने लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है इसे पॉपुलर किया था? तो वो है हेमिंगवे, आंसर दिख ही रहा है आपको, है ना. और 75, वेरी इंपॉर्टेंट, पुलित्ज़र प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड बाई, ये पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये किस, कौन है जो अवॉर्ड देता है? ठीक है, सो ये है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, यहाँ पे पुलित्ज़र प्राइज़ दिए जाते हैं. ठीक है, सो हियर वी हैव कम्प्लीटेड 75 क्वेश्चंस. ठीक है, हमारे बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दूंगी. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे भी कंप्लीट करेंगे. सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना प्लीज़ बनता है. देखिए हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आपको बस लाइक करना है, ऐसे नहीं जाना है, प्लीज़ लाइक करिए. और नहीं पसंद आया तो कमेंट लिखिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, या मैं और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, टेल मी दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे, थैंक यू.